कांडा भवन में चल रहे 6 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ, जिसमें जीविका के मैनेजर रवि कुमार जी ने बताया कि यहां लगातार 6 दिनों से प्रशिक्षण चल रहा था, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को जीविका से संबंधित कार्य प्रणाली एवं उनकी गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा था। आपसे सब कर दी, क्या फायदा हुआ उसको, ब्याज कम देना पड़ा है ना, एक महीने का ब्याज बच गया। हाँ, तो इस तरह से उसको फायदा पहुंचा, ठीक है। उसको भी हम लोन स्टेल मतलब नहीं भी होगा ना, तो वहाँ वाला एसएचजी का लोन स्टेल लेकर के जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर वह नहीं किएगा तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ग्राम सभा में जहाँ दीदी का नाम लिखा था वहाँ पर एसएचजी का नाम, समूह का नाम, सेम फॉर्मेट यही जाता है, खाली वही जैसे बताया जैसे सर लिखे हुए एक एसएचजी लिखे हुए है ना, यहाँ पर आशा दीदी लिखा जाता है, वहाँ सदस्य का नाम लिखा जाएगा तो आप समूह का नाम खड़ा कीजिएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मेट यही जाता है, ग्राम संख्या महीना ये सब सेम रहता है, नहीं रहता है जो ये भी नहीं है वो बता देंगे, कुछ भी चेंज नहीं रहता है, ठीक है, ठीक सेम रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ये बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं क्या क्या है, अनुभव कमी कही चाहे जो भी कहिए, लोन रजिस्टर नहीं था, लोन रजिस्टर तो इधर जिला में छप के साल डेढ़ साल पहले, ठीक है, लेकिन रवि सर की याद होगा मेरे यहाँ लोन रजिस्टर शुरू से ही हम लिखवा रहे थे, एक दिन मांगे थे स्टेट में जा रहे थे प्रेजेंट करने के लिए, तो मांगे थे कि हमको थोड़ा लोन रजिस्टर लेते आइएगा, और लोग जो पुराना बुक कीपर है वो उसके यहाँ लिखवाए थे, वो ला करके दिया था। तो लोन रजिस्टर एसएचजी के लोन रजिस्टर कौन लिखा? मैं रवि कुमार, मैनेजर कम्युनिटी फिनांस जीविका में हूँ और भोजपुर ज़िले में कार्यरत हूँ। बेसिकली ये जो है यहाँ पे जो स्काडा कृषि भवन में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहे हैं, इसमें जो हमारा ग्राम संगठन होता है, ग्राम संगठन के जो लेखापाल हैं, तो लेखापाल का बुक कीपिंग के ऊपर इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जो वहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं, जो बेसिकली हर जगह जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जितने संस्थाओं में जो बुक्स लिखे जाते हैं उसी बेस्ड पे हमारा ग्राम संगठन में भी बुक्स लिखे जाते हैं। उसके लिए जो गांव के लोग रहते हैं उनको बुक कीपर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, जो 12th पास होते हैं, ठीक है, और उनके पास जो है गांव में ही रहकर उनको एक रोज़गार का अवसर मिल जाता है, जो कि जीविका में लेखापाल के पद पे काम करते हैं। आज यहाँ कृषि भवन में जो हुआ कार्यक्रम, हाँ, उसके बारे में देखिए। आज यहाँ पे 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का अंतिम दिन है, ठीक है, जिसमें सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं सभी लोग आए हुए हैं और आज का प्रशिक्षण चल रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रवि कुमार, मैनेजर कम्युनिटी फिनांस जीविका भोजपुर।